फेक न्यूज एक ऐसा शब्द जो अभी आप देख रहे होंगे कि चारों तरफ चर्चा में बना हुआ है। इस समय आप सोचिए कि हमारे पास सबसे ज्यादा इंटरनेट उपयोग करता है हम लोग, और हमारे देश में इस तरह की आप सोचिए सुविधा काफी लोगों तक पहुंच चुकी है। तो याद रखिए, फेक न्यूज का आप समझिए कि सही न्यूज से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता है, समझ रहे हैं आप लोग? और इससे मुझे लगता है कि प्रीलिम्स में ही क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके, और आपके लिखित परीक्षा मुख्य परीक्षा में भी बन सकते हैं, और यानी कि निबंध ऐसे राइटिंग उसमें भी आ सकता है आपका क्वेश्चंस, क्योंकि आप देख रहे हैं कि न्यायालय हमेशा उन्हें रोक रहा है, टोक रहा है, फिर भी वो एक तरह से नहीं मान रहे। वही कहावत है ना एक, कि वो कुत्ते की पूंछ पुगैया में डालो और जब निकालो सुबह टेढ़ी की टेढ़ी निकली। तो कहने का मतलब ये भी इन्हीं का एक तरह से मामला है, कि आप समझिए कि मीडिया को हम लोग लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं, समझ रहे हैं? लोग किस लिए बनाया गया है मीडिया? मीडिया इसलिए कि दबे कुचलों की आवाज बताई जाए, उनकी आवाज को उठाया जाए, उनकी समस्याओं को उजागर किया जाए। लेकिन अधिकतर मीडिया कर क्या रहा है आप समझिए, कि या तो ऐसे मुद्दे चुन लेता है जिनमें मिर्च मसाला लगा हो। मेरा कहने का मतलब मिर्च मसाला ऐसा कि हमें जो पसंद है, और गलती उसमें उनकी नहीं है। देखिए, अगर वो सच खबर दिखाने लगे तो आप समझिए कि आप लोग देखना टीवी का वो चैनल बंद कर देंगे, बदल देंगे। तो वो भी चाहते हैं कि हमारी टीआरपी बढ़े, लोग अधिक से अधिक हमें देखें, तो वो भी इसी को एक तरह से प्रमोट करते हैं, उसी खबरों को। तो आप समझिए कि उनसे ज्यादा हम जिम्मेदार खुद हैं, समझ रहे हैं? हाल ही में एक मामले में सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने टेलीविजन न्यूज चैनलों पर दिखाए जा रहे कंटेंट के विरुद्ध आ रही शिकायतों और फेक न्यूज की गंभीर समस्या से निपटने के लिए तंत्र के बारे में केंद्र सरकार से सूचना मांगी है, और साथ ही यह निर्देश भी दिया है कि यदि ऐसा कोई तंत्र नहीं है तो जल्द से जल्द इसे विकसित किया जाए और इस पर रोक लगाने के लिए तंत्र की विकसित किया जाए। आप भी देखते रहते हैं, आपके पास फेसबुक पर आप लोग, मुझे लगता है हर कोई आजकल सुविधा है, हर कोई उपलब्धि भी इस पर, वो भी है जो फेसबुक लिख के नहीं जानता है अच्छी तरह से, वो भी फेसबुक चला रहा है आजकल, समझ रहे? तो एक बात आप लोग हमें समझिए कि कोई भी खबर आती है आप तुरंत क्या करते हैं, शेयर कर देते हैं, शेयर के बटन पर आपने क्लिक किया और शेयर कर दिया। अब वो सच है या नहीं है, दूर दूर तक उसका सच से कोई लेना देना है नहीं है, इससे कोई मतलब हमें नहीं है, हम लोगों ने बस शेयर कर दिया। आप समझिए, यही आप उस समय पहुंच रहे हैं जब हमारे धर्म गुरु या जो भी हुआ करते थे भड़का देते थे जनता को, क्योंकि हमारे पास ग्रंथों का ज्ञान था नहीं, तो उन्होंने जो बता दिया उसी को उसी पर हम लोगों ने क्या किया कि एक तरह से भरोसा करके हम मरने कटने लगे, एक दूसरे से लड़ने लगे। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को चेताया है कि यदि वह इस प्रकार की किसी भी तंत्र को विकसित करने में विफल रहती है तो न्यायालय को मजबूरन यह कार्य किसी बाहरी संस्था को देना होगा। अभी आप समझिए कि कोई न्यूज चैनल है, कई आप लोग, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, आप भी सबको जानते हैं, आप सोचिए मदारियों वाला काम करते हैं, और हमें बड़ा इंटरेस्ट है, हमारे धर्म को बचा रहा है, भारत पूछता है, अरे भारत क्या पूछता है, भारत पूछने लायक बचा ही नहीं है, तुमने छोड़ा ही नहीं उसे भारत को, भारत क्या पूछता है? आप सोचिए उन्हें, मतलब हमारा कोड भी बड़ा अच्छा है फिर भी उन्हें नजरअंदाज कर देता है, नजरअंदाज एक तरह से। क्या है आखिर फेक न्यूज? सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि फेक न्यूज का अभिप्राय ऐसी खबरों, कहानियों अथवा तथ्यों से है जिनका उपयोग जानबूझकर पाठकों को गलत सूचना देने अथवा धोखा देने के लिए किया जाता है, और इसमें कोई शक नहीं है जानबूझकर किया जाता है, और जानबूझकर इसलिए किया जाता है क्योंकि आप लोग उन्हें ज्यादा देखें, पसंद करें। फेक न्यूज एक विशाल वट वृक्ष के समान है जिसकी कई शाखाएं और उप शाखाएं होती हैं। इसके तहत किसी पे के पक्ष में प्रचार करना या झूठी खबर फैलाने जैसे कृत्य तो आते ही हैं, साथ ही किसी व्यक्ति या फिर संस्था की छवि को नुकसान पहुंचाना या फिर लोगों को उसके विरुद्ध झूठी खबर के जरिए भड़काने की कोशिश करना भी आपका शामिल रहता है। कई बार आप देखते हैं इस तरह के दंगे भी करवा देते हैं, यही न्यूज चैनल ही करवा देते हैं, एक समाज को दूसरे से लड़वा देते हैं। देखिए यहाँ ये होगा है, यहाँ इसने इसे मारा है, हिंदू मुस्लिम मुद्दा खड़ा कर देते हैं, समझ रहे हैं? जहां कोई दूर दूर तक धर्म से लेना उसका मामले का लेना ही ना हो वहां भी ये जोड़ देते हैं। आमतौर पर ये खबरें लोगों के विचारों को प्रभावित करने और किसी भी एक विशिष्ट राजनीतिक एजेंडे को बढ़ावा देने के लिए प्रसारित की जाती है,
और फिर इस प्रकार की झूठी खबरों के कारण उन्हें प्रकाशित करने वाले लोगों को काफी फायदा होता है। इतिहास में इसकी फेक न्यूज की बात करें तो फेक न्यूज को आधुनिक युग की सोशल मीडिया से संबंधित कोई नई घटना नहीं माना जा सकता है, बल्कि प्राचीन यूनान में भी प्रभावशाली लोगों द्वारा अपने हित में जनमत जुटाने के लिए दुष्प्रचार और गलत सूचनाओं का उपयोग किया जाता है। एक सबसे अच्छा भी आप ये भी देख सकते हैं, देखिए एग्जिट पोल आप लोग ले आइए, आप समझिए कोई न्यूज चैनल एग्जिट पोल जारी करे और ये आप बताए कि इतनी सीटें मिल रही किसी को, और उस राज्य में आप सोचिए एक न्यूज सभी न्यूज पेपर न्यूज चैनल मिलकर किसी पार्टी को ऊंचा उठा दें, तो जनता के मन में इसका एक तरह से क्या रहता है, इफेक्ट भी पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, और वो उसी पार्टी को वोट दे देती है। तो इसमें भी आप समझिए कि या समझ सकते हैं, वैसे भी आप समझिए कि आपको आपने अपने आसपास सभी को डरा के रख दिया, और कोई किसी ने कोई आया बाहर से तो आपके गांव वालों ने बोल दिया यार इसका आप बहुत बड़े आदमी है उनका चलता है, तो आपकी क्या हो रही है कि दूर दूर तक चल रही, भले आप में कोई हो कुछ अच्छी बात हो या ना हो, तो यही एक तरह से फेक न्यूज है। भारत में अगर फेक न्यूज की ये बात करें हम लोग, तो भारत में लगातार फैल रही झूठी खबरें और दुष्प्रचार के देश के लिए गंभीर सामाजिक चुनौतियां बनती जा रही हैं। भारत जैसे देश में यह समस्या और भी गंभीर रूप धारण करती जा रही है, और इसका कारण अक्सर सड़क पर दंगे और मॉब लिंचिंग की घटनाएं देखने को मिलती हैं। और भारत में इसलिए आप समझिए कि क्योंकि हमारे यहाँ देखिए धर्म कई धर्म है, कई धर्म समूहों में बटे हुए हैं हम लोग, तो एक धर्म से दूसरे को लड़ाकर बहुत नुकसान भी पहुंचता है, देश की एकता अखंडता शांति भी भंग हो सकती है इससे। भारत जहाँ 75 करोड़ से भी अधिक इंटरनेट उपयोग करता है, मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक और व्हाट्सएप आदि फेक न्यूज प्रसारण के प्रमुख स्रोत बन गए हैं, और यही मैन आप समझिए कि सब तक पहुंचाने के, क्योंकि आप समझिए न्यूज़पेपर हर कोई नहीं खरीदता है, लेकिन मोबाइल आज हर किसी के मोबाइल हर किसी के हाथ में, वो यूट्यूब पर देख रहा है या कहीं भी उसे इस तरह के वीडियो दिखाई दे रहे हैं और वो उस पर भरोसा कर लेता है। हमारे यहाँ की जनता बहुत भोली है, मासूम है एक तरह से आप कहिए, इसलिए बोल रहा हूं आप समझिए कि आप दो चार बातें करिए, दो चार उन्हें बातें कहिए, वो भरोसा कर लेते हैं। आज आप देखिए 70 साल तक हम लोग दूसरी पार्टी की गुलामी करते रहे, उससे पहले देखिए आप लोग कि 200 साल तक हम किसी और की गुलामी करते रहे, उससे पहले भी आप जाइए तब भी गुलामी करते रहे। हमारे पास अपनी कोई सोच नहीं है कि हम अपनी सोचें कि ये खबर सही है या नहीं। मैंने बताया होगा आप लोगों को एक दूसरे दो क्लासों में कि मैं कहीं पढ़ रहा था कि एक ऐसी मशीन है कि उसे मतलब छोड़ चलती रहती है अपने आप। झांसी बुंदेलखंड की बात है, कोई पार्क में ऐसी मशीन लगी हुई थी कि उसे चलती रहती है, किसी ने बोल दिया कि ये भगवान की कृपा है, अल्लाह गॉड ऐसा वैसा भूत है इसमें प्रेत है, लेकिन किसी ने मुझे बताया कि वो ऐसा है कि उसे एक बार आप ऊपर से उठा के नीचे पटक दीजिए तो उसमें खराबरी है, खराबी हो 2 से 3 मिनट तक अपने आप ऊपर नीचे चलती रहती है स्प्रिंग के कारण, लेकिन न्यूज चैनलों ने क्या बताया, और मैंने फेसबुक पर देखा कि उसमें मतलब सोचिए वो ट्रेंड कर रहा था, तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। न्यूज चैनल चाहे तो किसी भी खबर को बड़ा ऊंचा दिखा देते हैं और उसे जनता में फैला देते हैं, और जो काम का मुद्दा हो उसे दबा देते हैं तो वो बिल्कुल दबके रह जाता है। भारत में से कई उदाहरण देखे जा सकते हैं जहां फेक न्यूज या झूठी खबर के कारण किसी निर्दोष व्यक्ति की जान चली गई है। भारत में व्हाट्सएप को फेक न्यूज के लिए सबसे अधिक असुरक्षित माध्यम माना जाता है, क्योंकि इसका प्रयोग करने वाले लोग अक्सर खबर की सत्यता जाने बिना उसे कई लोगों को फॉरवर्ड कर देते हैं, जिसके कारण एक सही साथ कई सारे लोगों तक गलत सूचना पहुंच जाती है। अभी आप देखते होंगे कि समझिए कि किसी ने किसी कुछ भी हो गया, कोई भी मामला हो गया, तो उसमें हिंदू मुस्लिम का एक तरह से रंग देना बहुत आसान हो चुका है, और एक जात से दूसरी जात को लड़ाना बहुत आसान कर दिया इन्होंने। क्या कर दिया कि सोशल मीडिया पर डाल दिया कि अरे इसके साथ ये हुआ, और सभी को फॉरवर्ड कीजिए, ये करिए वो करिए, और उसमें करते रहते हैं हम लोग। तो कम से कम अपनी सोच हमें वहां उपयोग तो करना, अपन याद करिए हम लोग कि सत्य है या नहीं है, ये मतलब एक खबर है क्या, समझे। और याद रखिए आप जब भी फेसबुक पर देखेंगे रिपोर्ट का वहां ऑप्शन आता है, आपको अगर लगता है ये गलत खबर है तो आप रिपोर्ट भी कर सकते हैं वहां, ठीक है। भारत में फेक न्यूज का मामले की अगर बात करें हम लोग, कारण की पारंपरिक मीडिया की विश्वसनीयता में कमी। भारत समेत विश्व के तमाम देशों में अब पारंपरिक मीडिया
और टेलीविजन न्यूज चैनलों को समाचार और समसामयिक के विश्वसनीय स्रोत के रूप में नहीं देखा जाता है, बल्कि मीडिया खास तौर पर टेलीविजन न्यूज चैनल राजनीतिक दलों के लिए एक मंच बनकर रह गए। इस प्रकार मीडिया ने अपनी विश्वसनीयता को पूर्णतः खो दिया है और वह एक फेक न्यूज का एक प्रमुख स्रोत बन गया है। एक बात और आप समझिए कि मीडिया का काम तो होना चाहिए था कि सरकार से सवाल पूछे, कहीं कोई काम नहीं हो रहा है तब सरकार को घेरे, लेकिन आप देख रहे हैं कि एक सरकार के पक्ष गोद में बैठा हुआ है, दूसरा सरकार की विपक्ष की गोद में बैठा हुआ है। दोनों अपने काम में मस्त हैं, जनता त्राही त्राही मान रही है। आप समझिए लॉकडाउन के टाइम किसी मीडिया वाले ने इतनी कवर नहीं की कि जनता ने किस तरह से लाचार है, किस तरह से दम तोड़ रही है। उस समय भी देखा आपने कि भेदभाव ही किया गया। सोशल मीडिया का उदय की बात करें, डिजिटल और सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव के साथ दुनिया भर में फेक न्यूज एक बड़ी समस्या बन चुकी है। सोशल मीडिया के आगमन ने फेक न्यूज के प्रचार प्रसार का विकेंद्रीकरण कर दिया है। इंटरनेट और सोशल मीडिया की विशालता के कारण यह जानना और भी चुनौतीपूर्ण हो गया है कि किस खबर की सत्यता क्या है और इस खबर का उद्भव कहाँ से हुआ, ये खबर आई कहाँ है और इसकी हकीकत है या नहीं, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। समाज का ध्रुवीकरण, वैचारिक आधार पर समाज के ध्रुवीकरण ने फेक न्यूज के प्रसार की और भी आसान बना दिया है। बीते कुछ वर्षों में ऐसी झूठी खबरों जो कि हमारे राजनीतिक अथवा वैचारिक प्रतिद्वंदियों का अपमान करने अथवा उन्हें बदनाम करने के उद्देश्य से प्रसारित की जाती हैं के प्रति लोगों का आकर्षण काफी बड़ा है। और आप समझिए मिर्च मसालेदार जो खबर होती है उसके प्रति हमारा आकर्षण भी बढ़ता है। उपयुक्त कानून का अभाव, याद रहे कि भारत में फर्जी खबरों से निपटने के लिए कोई विशेष कानून नहीं है जिसके कारण इसके प्रसार को बढ़ावा मिलता है। लोग किसी भी खबर के पीछे की सच्चाई जानने का प्रयास नहीं करते, बल्कि वे ऐसी खबरों का उपयोग अपने अनुचित एजेंडे को उचित बनाने के लिए करते हैं। एक मजबूत कानून की आवश्यकता होनी चाहिए और आना चाहिए, यही सोचता हूँ। नफरत से भरा कंटेंट बनाने वाले और इसे साझा करने वाले लोगों को भारतीय दंड संहिता IPC की प्रासंगिक धाराओं के तहत सजा दी जा सकती है, किंतु इंटरनेट की विशालता के कारण ऐसे लोगों की पहचान करना काफी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। और एक बात और आपको बताऊं, आप समझिए हम लोग फेसबुक यूज कर रहे हैं, व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, आप समझिए कि हमें अपने यहाँ की विकिपीडिया हमारी होनी चाहिए, हमारे देश का एक तरह से स्वदेशी व्हाट्सएप भी होना चाहिए, स्वदेशी एक तरह से आप समझिए कि फेसबुक व्हाट्सएप सब कुछ होना चाहिए। चाइना ने ये किया हुआ है, इसका डेटा क्या होगा कि हमारे यहाँ सेव होगा और हम इस पर कंट्रोल भी बड़े आसानी से कर सकते हैं। सरकारी विनियमन के तहत आने वाले पारंपरिक मीडिया के विपरीत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अथवा ऑनलाइन मीडिया के क्षेत्र में आवश्यक बाध्यकारी नियमों का अभाव है और जिसके कारण फेक न्यूज के प्रसार की संभावना काफी अधिक बढ़ जाती है। बीते कुछ वर्षों में फेक न्यूज फैलाने वाली कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने भी अपनी नीति में कुछ परिवर्तन किए हैं, किंतु इसके बावजूद एक सार्वभौमिक नीति अथवा नियम के अभाव के कारण फेक न्यूज की समस्या से अब तक पूर्णतः निपटा नहीं जा सकता। इसलिए वर्तमान में समस्या से निपटने के लिए एक सार्वभौमिक नीति विनियमन और दिशा निर्देशों की कमी की को तत्काल संबोधित किए जाने की आवश्यकता भी है। आगे की राय क्या हो सकती है इसमें? फेक न्यूज के प्रसार को रोकने के लिए कानून बनाते समय यह आवश्यक है कि एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाते हुए केवल पारंपरिक मीडिया और टेलीविजन न्यूज चैनलों को ही दोष न दिया जाए, क्योंकि सोशल मीडिया के दौर में कोई भी व्यक्ति गलत सूचनाओं के निर्माण कर सकता है, उन्हें लाखों लोगों तक पहुंचा सकता है। एक बात और बताऊं आप लोगों को, कहते हैं ना कि जब तक सत्य जूता पहन रहा होता है जब तक असत्य पूरी दुनिया घूम चुका होता है। आप खुद देखिएगा कि झूठी खबर किस तरह से आग की तरह फैलती है, सत्य खबर नहीं फैलेगी इस तरह, ये भी देखा गया है। कानून बनाने से ज्यादा महत्वपूर्ण उस कानून को सही ढंग से लागू करना होता है, क्योंकि जब तक कोई कानून सही ढंग से लागू नहीं होता है तब तक उसका कोई महत्व भी नहीं होगा। आप समझिए इस तरह की सही बात है, हमारे भी देश में कई कानून आए हुए हैं, उनका कहाँ पालन हो रहा है, धरती तक कहाँ जाके लागू होते हैं, तो ये भी होना जरूरी है। कानून का निर्माण करते समय करने के साथ साथ लोगों को फेक न्यूज के बारे में जागरूक करना, उन्हें शिक्षित करना भी आवश्यक है। इसीलिए तो कहता हूँ कि शिक्षा इतने तो अपने कम से कम बच्चों को पढ़ा दीजिए कि वो सही गलत का फर्क पर जानने लगे। मालूम चला कि आगे इसी भीड़ जो भीड़ है एक बेवकूफों की एक तरह से, या आप कह दीजिए कि ज्यादा समझदारों की, तो उसमें ना हो आपके बच्चे शामिल और कम से कम सही गलत जो भी है उनके समझ में तो आ सके। ठीक है, तो यही कहानी थी आपकी फेक न्यूज की।
और वैसे भी आप जुड़े रहते हैं, देखते रहते हैं फेक न्यूज,